तो देखो आज थिएटर्स के अंदर आयुष्मान खुराना की मूवी ड्रीम गर्ल भी ये रिलीज हुई है। अब देखो भले ही ये मूवी ड्रीम गर्ल का सीक्वल हो, लेकिन इससे ये मत मान लेना कि ये मूवी ड्रीम गर्ल से कनेक्टेड है या फिर इसकी कहानी कंटिन्यू होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे सामने एक नई कहानी को प्रेजेंट करता है, लेकिन एक मिनट, शायद से कहना गलत होगा कि हमारे सामने नई कहानी को प्रेजेंट करता है, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है फिर थीम कह लो, वो तो पुरानी फिल्म जैसा ही है, मतलब कि उसकी कहानी जैसा ही है। तो उस वजह से इस फिल्म में नया ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं। मतलब हाँ, ये कहना सही रहेगा कि पुरानी फिल्म की कहानी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या फिर एक दो जगह पर एक्टर्स को चेंज करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है, बाकी तो सभी चीज़ें सिमिलर लगती है। मतलब कि जब मैं इस फिल्म को थिएटर में देख रहा था तो हाँ, सभी चीज़ें मतलब फ्रेम बाय फ्रेम मतलब ड्रीम गर्ल वन जैसे ही लग रही थी, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। तो हाँ, इसमें नया ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं। और क्योंकि हम स्टोरी के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो ये जान लेते हैं कि ऐसा इस फिल्म में क्या है कि इसको ड्रीम गर्ल टू नाम दे के हमारे सामने रिलीज किया है। तो देखो, इसकी स्टोरी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर आयुष्मान खुराना से शुरू होती है, जहाँ पर उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है अनन्या पांडे और उनके पिताजी का नाम है अन्नू कपूर। और देखो, आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात उनके पिताजी यानी कि मनोज जोशी को पता चल जाती है, जो कि अनन्या पांडे के पिताजी है। और वो उनके घर जाते हैं, मतलब कि अनु कपूर के घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं शादी की। लेकिन उसी वक्त उन्हें ये पता चल जाता है कि जो अनु कपूर है उन्होंने बहुत लोगों से और बैंक से कर्ज लेकर रखा हुआ है, और जो आयुष्मान खुराना है वो भी कोई जॉब नहीं करते। तो उस वजह से वो मतलब कि मनोज जोशी शादी को लेकर एक मतलब जो कंडीशन होती है वो रखते हैं कि अगर तुम्हारे पास खुद का घर, जॉब और तुम्हारे बैंक अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए है, तो वही वो शादी के बारे में सोच सकते हैं या फिर आगे की बात हो सकती है, वरना तो भूल जाओ। तो उसी वजह से अब आयुष्मान खुराना आगे क्या करते हैं, यही सारी चीज़ें हमें फिल्म में दिखाई गई है बेसिकली। और मैं कहूँगा वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, मतलब कि इसकी कहानी पूरी तरीके से एक वियर्ड थिंग में चली जाती है। यानी कि सबसे पहले तो ये फिल्म किस वजह से खुद को बेच रही है हमारे सामने, जो है कॉमेडी। अब देखो, कॉमेडी इस फिल्म का मेन एस्पेक्ट है। अब देखो, ऐसा नहीं कि मैंने स्टोरी को अधूरा छोड़ दिया, उसे कंप्लीट करूंगा, लेकिन कॉमेडी को साथ में लेकर कंप्लीट करूंगा। तो देखो, कॉमेडी की वजह से ये फिल्म खुद को बेच रही है, लेकिन पहले ही बता दो कि इस फिल्म में कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब फोर्सफुली कॉमेडी डाली गई है, जबरदस्ती कॉमेडी डाली गई है, कहीं पर भी हंसी नहीं आती। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जीरो कॉमेडी है, लिटरली जीरो कॉमेडी, और जो सेकंड हाफ में ना वहाँ पर एक दो जगह पर मुश्किल से हंसी आती है। तो उस वजह से कहानी काफ़ी मतलब क्रिंज लगती है, और उसी वजह से कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली लगती है और वहाँ पर हंसी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो उस वजह से कहानी और कॉमेडी ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते और फिल्म उस वजह से अच्छी नहीं बन सकी है ये। और जो एक्ट्रेस है उस वजह से उन्होंने भले काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन फिर भी वो भी इस फिल्म को बचा नहीं सके, क्योंकि सबसे पहली बात तो कॉमेडी नहीं, स्टोरी को काफ़ी क्रिंज रखा गया है, और उस वजह से कॉमेडी काफ़ी मतलब ऐसा फोर्सफुली लगती है, और उसी वजह से एक्ट्रेस भी इस फिल्म को नहीं बचा सकते। और अब एक्ट्रेस के ऊपर बात हो ही रही है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आयुष्मान खुराना, देखो उनका परफॉर्मेंस अच्छा था मैं कहूँगा। और जो अनन्या पांडे, मतलब कि अब वो भी इस फिल्म में है ही, लेकिन मैं कहूँगा उनका परफॉर्मेंस ठीक, अब ठीक इसलिए कि उन्हें फिल्म से साइड कर दिया है, मतलब कि फिल्म में उनका ज़्यादा रोल नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का भी नहीं है। और इसके बाद जो मैं आगे नाम लूँगा, मतलब अभिषेक बनर्जी, अनु कपूर, विजय राज, राजपाल यादव, ये सारे के सारे एक्ट्रेस फिल्म में है। देखो, इतने टैलेंटेड और बड़े एक्ट्रेस होने के बावजूद भी फिल्म में कॉमेडी नहीं है, ये थोड़ा सूट नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस फिल्म में कॉमेडी नहीं है, मतलब नहीं है मतलब कि फोर्सफुली लगती है, ज़बरदस्ती डाली गई हुई है, जहाँ पर आपको हंसी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, सामने स्क्रीन पर जो भी कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें देखकर वियर्ड जरूर लगेगा। जो स्टोरी है, जो कॉमेडी मतलब फोर्सफुली दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखकर जरूर वियर्ड लगेगा। अब देखो, आते हैं इसके एक और मेन एस्पेक्ट पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर इस फिल्म में एक चीज़ जो अच्छी लगी ज़्यादा नहीं है, वो है जहाँ पर अचानक बीच बीच में ये फिल्म जो मतलब मूवीज ले लो बॉलीवुड के, या फिर एक्टर्स ले लो, या फिर सॉन्ग्स ले लो, उनका एक मतलब रेफरेंस देती है, अचानक गाने बजते हैं या फिर एक्टर्स के नाम लेते हैं या फिर फिल्मों के नाम लेते हैं, तो वो एक सच में छोटा सा पार्ट है फिल्म का, वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा सिर्फ उसके भरोसे पर फिल्म को देखा जाए, ऐसा फिल्म नहीं है। और म्यूज़िक की अगर बात करें तो देखो, फिल्म में 3 या 4 गाने हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन हाँ, उसमें से जो एक गाना है वो पुराने फिल्म से उठाकर यहाँ पर डाला हुआ है। बाकी 3 गाने तो मैं कहूँगा कि मतलब उतने कुछ खास है नहीं, स्किप करने जैसा है। और बाकी यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू ड्रीम गर्ल 2 इसके ऊपर। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा हुआ है तो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना।
और अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को जाकर देखो, क्योंकि ये फिल्म वैसी है नहीं। तो बस यही था मेरा ड्रीम गर्ल 2 के बारे में ओपिनियन। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।